अस्सलामुअलैकुम, हुशाम रेड़ा आपका सीकर इनो चैनल पे। इस माय फर्स्ट व्लॉग, आई होप आप सब ठीक होंगे। लेट्स सी माय इंट्रो। आज हम बनाएंगे एक लैंप। लैंप बनाने के लिए हमने पीवीसी पाइप, पीवीसी पाइप को हम हीट देंगे। हीट देने के बाद हमने उसको कर लिया स्ट्रेट। हम स्ट्रेट कर रहे हैं क्योंकि हमें स्ट्रेट ही चाहिए है। अगर आपको बेंड चाहिए है तो आप बेंड कर सकते हैं। ये देखिए हमारा हो गया स्ट्रेट। पेंडल है, आप बेंड भी कर सकते हैं, जैसे आपको चाहिए आप कर सकते हैं, एज यू विश। अब हमने बना लिया एक स्ट्रक्चर पेज पे, आप भी स्ट्रक्चर बना लीजिएगा ताकि आपको ईजी रहे। उसके बाद हमने कर ली हर एक पार्ट की कटिंग। कटिंग करने के बाद हमने उस पर लगाया ग्लू। ग्लू लगाकर हम उसको पीवीसी पाइप पे कर लेंगे पेस्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पेस्ट आपने इस तरह से करना है ताकि आपका हर एक एंगल जो है वो इक्वल रहे, आपका इजीली कट हो सके, ताकि आपका इजीली आप उसको अपने स्ट्रक्चर को, आप अपने जो भी आपने चीज बनानी है आप उसको इजीली बना सके। इसके करने के बाद हमने उसको कर लिया कटिंग। आप किसी भी टूल की मदद से आप उसको कटिंग कर सकते हैं, आप कोई भी चीज ले सकते हैं। पीछे आने वाली चीजों को काइंडली इग्नोर करें। अच्छे से उसको कटिंग करने के बाद उसकी हर एक पार्ट हमने आपको दिखा दिया। देखिए कितना खूबसूरत से कटिंग की गई है। अब हम उसको कर लेंगे स्मूथ ताकि उसके कॉर्नर्स जो है वो खराब ना रहे, आपको एक अच्छी सी लुक दे। हम एक लैंप की उसको कर लिया हमने स्मूथ। स्मूथनेस आप किसी टूल से करेंगे, किसी भी टूल से। अब हमने ये कर लिए सारे पार्ट्स को अलग अलग, उसको हमने बेंड किया थोड़ा सा। बेंड करने के बाद हमने हर एक पार्ट को एक ग्लू की मदद से उसको जोड़ लिया। जोड़ने के बाद हमने ऊपर लगाई एक बड़ी सी एलईडी। बड़ी एलईडी लगाने के बाद उसके ऊपर हमने छोटा लैंप लगाया। छोटा लैंप लगाने के बाद ये क्या हो रहा है? ओ, ये तो जॉय कटिंग है, ये एक लोगो कट रहा है लग के हमारा लोगो। लोगो लगने के बाद ये देखिए हमारा एक कम्प्लीट लैंप। कम्प्लीट लैंप कितना खूबसूरत लग रहा है। या तो लग रहा होगा ये तो शायद शूज है। नो, इट्स नॉट शूज, ये तो एक लैंप है। कितनी अच्छी लाइट दे रहा है। आप इसके नीचे बैठ के पढ़ भी सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको कोई चीज अच्छी नहीं लगी उसके लिए सॉरी, क्योंकि इट्स माई फर्स्ट व्लॉग। ओके, अगले वीडियो में कल मिलेंगे एक अच्छे व्लॉग के साथ।